हेलो चिल्ड्रन, वेलकम बैक टू क्लास 10 फिजिक्स। चिल्ड्रन, लास्ट टाइम हम लोगों ने लीनियर मैग्निफिकेशन तक की चीजें देखी थी, लीनियर मैग्निफिकेशन तक। आज हमें इमेज फॉर्मेशन देखना है। उसके लिए मैं एक बार 2 मिनट में आपको प्रीवियस रूल्स आपको रिवाइज करा दूं, रूल्स फॉर इमेज फॉर्मेशन। तो उसमें फोकस करना है। इसमें फर्स्ट रूल मैंने क्या बताया था कि जब कभी भी रेज प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल इंसिडेंट होंगी तो आफ्टर रिफ्लेक्शन वो फोकस से पास होंगी। सेकेंड रूल था कि फोकस से चलने वाली रेज लेंस से मिरर से रिफ्लेक्शन के बाद प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल हो जाएंगी। थर्ड रूल था कि सेंटर ऑफ कर्वेचर से जाने वाली रेज अपने उसी पाथ को रिट्रेस करेंगी। क्यों? क्योंकि ये जो इंसिडेंट रे होती है ये मिरर पे परपेंडिकुलर होती है, और जो रे परपेंडिकुलर होगी वो अपनी उसी पाथ पे वापस लौटेगी। और फोर्थ रूल जो हमने बताया था कि अगर हम कभी भी रेस पोल पे इंसिडेंट करते हैं, पोल पी, तो वो लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन को फॉलो करती हुई, यानी एंगल ऑफ इंसिडेंस एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन की इक्वल होगा और उस डायरेक्शन में रेस रिफ्लेक्ट होंगी। ठीक है, यहां तक कि ये रूल्स मैंने आपको बताए थे। तो आज हम लोग स्टार्ट करेंगे इमेज फॉर्मेशन बाय ए कॉनकेव मिरर। इमेज फॉर्मेशन बाय ए कॉनकेव मिरर, हमें ये ध्यान रखना है जब कभी भी इमेज फॉर्मेशन देखना है तो हमेशा 2 रेज इंसिडेंट करेंगे। एक तो हमेशा प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल, जैसे फर्स्ट केस है व्हेन एन ऑब्जेक्ट इज एट इंफिनिटी। कॉनकेव मिरर के केस देख रहे हैं, ठीक है? यानी अगर ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी पे रखा हुआ है तो इन्फिनिटी पे जब कभी भी चिल्ड्रन ऑब्जेक्ट रखा होगा तो रेज हमेशा प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल इंसिडेंट करेंगे। तो मैंने यहाँ 2 रेज इंसिडेंट की हैं प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल। और फोकस की डेफिनेशन में हम लोग पढ़ चुके हैं कि जब कभी भी रेज आप प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल इंसिडेंट करेंगे किसी भी मिरर पे तो वो आफ्टर रिफ्लेक्शन फोकस से पास होंगी। और जहां ये रेज मीट करेंगी, जैसे इस फिगर में रेज एफ पर मीट कर रही हैं, इसका मतलब है कि इमेज फोकस एफ पर बनेगा। अब कोई भी केस होगा तो आपको 3 चीजें उसकी लिखनी है। पहली कि इमेज का नेचर क्या है, कैसा इमेज बन रहा है। तो देखिए, जब कभी भी रेज एक्चुअली मीट करती है किसी पॉइंट पे तो हमेशा रियल इमेज बनता है, और रियल इमेज हमेशा इन्वर्टेड होता है। ये मैं आपको रियल और वर्चुअल इमेज के डिफरेंस में बता चुका हूँ। और ए बी कोई ऑब्जेक्ट है और उसका इमेज यहाँ पे बिल्कुल पॉइंट साइज का बनेगा। एक पहली हेडिंग हो गई नेचर, दूसरी है साइज। साइज आपके से कैसा है, पॉइंट साइज इमेज। और ये इमेज कहाँ पे बन रहा है, रेस कहाँ पे मिल रही है, फोकस में मिल रही है। इसका मतलब है कि इमेज की जो पोजिशन होगी वो फोकस एफ पर होगी। आपको कोई भी केस आएगा हमेशा नेचर साइज और पोजीशन हेडिंग करके लिखना है, बहुत लंबे लंबे लैंग्वेज नहीं लिखना है, ठीक है? अब सेकंड केस है व्हेन ऑब्जेक्ट इज बियॉन्ड सेंटर ऑफ कर्वेचर, यानी ऑब्जेक्ट सेंटर ऑफ कर्वेचर के बाहर कोई ऑब्जेक्ट रखा हुआ है। जैसे फिगर में मैंने दिखाया है कि ए बी कोई ऑब्जेक्ट है, ये सेंटर ऑफ कर्वेचर के बाहर रखा हुआ है। तो हमें 2 रेज चलानी है। पहली रेज प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल, जो रेज प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल इंसिडेंट करेंगे वो रिफ्लेक्शन के बाद कहां से पास होगी, फोकस एफ से, फोकस एफ से। और दूसरी रेज हमें सेंटर ऑफ कर्वेचर से इंसिडेंट करनी है। जो रेज सेंटर ऑफ कर्वेचर से इंसिडेंट करते हैं वो अपने उसी पाथ पर वापस लौट जाएगी। जहां ये दोनों रेज इंटरसेक्ट कर रही हैं वहां पर इमेज बनेगी। तो इस केस में जो इमेज बन रही होगी ए डैश बी डैश वो इन्वर्टेड इमेज होगी। और किसके किसके बीच में बन रही है, सेंटर ऑफ कर्वेचर और फोकस के बीच में। तो देखिए, अब हमें यहाँ नेचर लिखना है तो इमेज कैसी है, इन्वर्टेड है, तो यहां लिखेंगे इन्वर्टेड। और इमेज कैसी है, जो इन्वर्टेड इमेज होती है वो कैसी होती है, रियल।
यानी इमेजेस रियल एंड इन्वर्टेड। और अब फिगर में आप देख सकते हैं कि ए बी का साइज बड़ा है, ऑब्जेक्ट का साइज बड़ा है, इमेज छोटी बन रही है। इसका मतलब है कि इमेजेस इमेजेस डेमिनेस्ट। और पोजीशन कहाँ है, कहाँ पे बन रही है इमेज? ए डैश बी डैश की पोजीशन देखिए कहाँ पर है, बिटवीन सेंटर ऑफ कर्वेचर एंड फोकस एफ। तो यहाँ लिख देंगे बिटवीन सी एंड एफ। सी समझ रहे हैं क्या है? सी क्या कहलाता है? सेंटर ऑफ कर्वेचर। और एफ क्या है? फोकस एफ। नाउ थर्ड केस, जब ऑब्जेक्ट सेंटर ऑफ कर्वेचर पे हो, व्हेन द ऑब्जेक्ट इज एट द सेंटर ऑफ कर्वेचर कैपिटल सी। तो मैंने सेंटर ऑफ कर्वेचर पे ऑब्जेक्ट ए बी को रख दिया। अब हमें हमेशा दो रेज चलानी है बच्चों। पहली रेज प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल, तो मैंने प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल रेज इंसिडेंट कर दिया। अब प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल चलने वाली रेज रिफ्लेक्शन के बाद कहाँ से जाती हैं? फोकस एफ से। ये फोकस से मैंने पास करा दिया। और ये भी हम जानते हैं कि जो रेज फोकस से चलती हैं, जो रेज फोकस से चलती हैं, वो रिफ्लेक्शन के बाद पैरेलल हो जाती हैं। तो ये पैरेलल हो गई। तो इस केस में अगर आप देखो तो जो इमेज बन रहा है, कहाँ पे दोनों रेज इंटरसेक्ट कर रही हैं? पैरेलल जो रेज इंसिडेंट करी थी और जो फोकस से रेज चल रही हैं, ये दोनों ए डैश पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रही हैं, जस्ट बिलो द सेंटर ऑफ कर्वेचर कैपिटल सी। तो थर्ड केस में जब ऑब्जेक्ट सेंटर ऑफ कर्वेचर पे रखा होगा, तो ऑब्जेक्ट ए बी का इमेज जस्ट सेंटर ऑफ कर्वेचर के नीचे बनेगा, इन्वर्टेड बनेगा। और जो इमेज इन्वर्टेड होता है तो वो रियल होता है, यानी इमेज का नेचर कैसा हो गया? रियल। और रियल इमेज कैसा होता है? इन्वर्टेड, रियल एंड इन्वर्टेड। और इस केस में जो ऑब्जेक्ट ए डैश बी डैश का जो साइज होता है, सेम साइज का होता है जो ऑब्जेक्ट का साइज होगा, यानी सेम साइज एज द ऑब्जेक्ट, सेम साइज एज द ऑब्जेक्ट। और कहाँ पे बन रहा है, इसकी पोजीशन क्या है? सेंटर ऑफ कर्वेचर पे ऑब्जेक्ट रखा हुआ था, इस केस में इमेज भी सेंटर ऑफ कर्वेचर पे ही बनता है। तो मैं बार बार सेंटर ऑफ कर्वेचर नहीं लिखूंगा, सी खाली कैपिटल सी लिख दूंगा, एट द सेंटर ऑफ कर्वेचर कैपिटल सी। ठीक है, कैपिटल सी क्या होता है? सेंटर ऑफ कर्वेचर। कैपिटल एफ क्या होता है? फोकस। नाउ केस फोर, केस फोर। फोर्थ केस हम लोगों को देखना है, जब ऑब्जेक्ट सेंटर ऑफ कर्वेचर सी और फोकस एफ के बीच में हो। तो मैंने यहाँ पे कॉनकेव मिरर दिखा रखा है, सेंटर ऑफ कर्वेचर सी है, फोकस एफ है। अब मैं यहाँ से दो रेज इंसिडेंट कर रहा हूँ। पहली रेज प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल, जो रेज प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल इंसिडेंट होगी वो रिफ्लेक्शन के बाद फोकस से पास होगी। तो ये फोकस से पास होगी। और दूसरी रेज आपको सेंटर ऑफ कर्वेचर से इंसिडेंट करना है, तो इस केस में हम लोग रेज को सेंटर ऑफ कर्वेचर से रेज इंसिडेंट करेंगे। और इस रेज को जब पीछे सेंटर ऑफ कर्वेचर से जाने वाली रेज रिफ्लेक्शन के बाद, तो ये ए डैश बी डैश आपकी से इमेज बनेगा। ये रेज यहाँ इंटरसेक्ट कर रही होंगी, ए डैश बी डैश इमेज की पोजीशन होगी। तो इस केस में इमेज देखिए, ऑब्जेक्ट ए भी छोटा सा था लेकिन इसका इमेज काफी बड़ा बन रहा है, और उल्टा भी बन रहा है, इन्वर्टेड भी बन रहा है, इसका मतलब रियल भी है। तो नेचर क्या हो गया? नेचर हो गया रियल एंड इन्वर्टेड। तभी तक आप देख रहे होंगे कि कॉनकेव मिरर से फर्स्ट थ्री केसेस में जो पहला वाला पॉइंट है वो सेम है, नेचर वाला पॉइंट सेम है। इन्वर्टेड की स्पेलिंग गलत हो गई है वो आप जानते हैं। इन्वर्टेड साइज कैसा होगा? ऑब्जेक्ट के कंपैरेटिवली इनलार्ज्ड, बड़े साइज का इमेज बनेगा, ऑब्जेक्ट से बड़ा बनेगा।
और आप देखें इसको, ये जो इमेज ए डैश बी डैश बन रहा है वो सेंटर ऑफ कर्वेचर के बाहर बन रहा है, तो लिख देंगे बियॉन्ड कैपिटल सी। कैपिटल सी मीन्स सेंटर ऑफ कर्वेचर, ठीक है। तो ये फोर केसेस हो गए, टू केसेस अभी और देखने हैं। आप पॉज,